बाबूपुर थाना क्षेत्र के गौरकला गांव में नेवादा बाजार में गुरुवार की रात चोरों ने आभूषण की दो दुकानों का शटर चाड़कर लाखों का माल पार कर दिया। चोरों ने लॉकर भी तोड़ा और उसमें से गहने निकाल ले गए। मौके पर लॉकर के पास झोले में दो और जमीन पर दो यानी चार कारतूस भी मिले हैं। शुक्रवार की सुबह लोगों ने दुकानों के शटर टूटे देखे तो दुकानदार को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच के दौरान मौके पर मिले कारतूस को कब्जे में ले लिया गया है। चौबीपुर और चोलापुर थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों लूट और चोरी की घटनाओं को लेकर आभूषण व्यवसायी पहले से ही आक्रोशित थे। गुरुवार की रात की घटना से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद व्यवसायी धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन पर निष्क्रियता बरतने का आरोप लगाते रहे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रयास कर रहे हैं घटना का अनावरण किया जाए। साथ ही साथ पूरे जनपद में जो हमारी गश्त पार्टियाँ हैं इनकी समीक्षा की जा रही है और नए सिरे से इस तरह से नियोजित किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं वो सुरक्षित रहे। फैंटम लगातार गश्त करते रहते हैं, मोदी के फैंटम भी जो है सुस्त पड़ गई है। नहीं, निश्चित तौर पर जो की घटना हुई है तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारा फोर्स है रात के समय इसको किस तरह से मोबिलाइज किया जाए साइंटिफिक तरीके से, ताकि जहाँ आवश्यकता है वहाँ फोर्स रहे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने कड़ाके की ठंड में गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोए, साथ ही गरीबों में दान पुण्य भी किया। इसके साथ ही माघ मेला की शुरुआत हुई। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम सतर्क रही। माघ मेला की शुरुआत के साथ ही गंगा स्नान करने के लिए लोगों का घाटों पर पहुंचने का क्रम भोर से ही शुरू हो गया। लोगों ने गंगा में स्नान किया, इसके बाद विधि विधान से पूजन अर्चन और दान पुण्य किया। ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला। अब से हमारे संस्कृति के हिसाब से मानना है कि काशी में मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष का प्राप्त होता है। काशी में गंगा का स्नान करने से आपके पापों का नाश होता है और आप मोक्ष को पधारते हैं। आज कड़ाके की ठंड भी थी, इसके बावजूद भी घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु दिखे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम थे? सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था है। सारी जगह पुलिस प्रशासन ने पुलिस बल तैनात करके रखा है। एनडीआरएफ की टीमें भी दिखाई दे रही हैं और माइक के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है बराबर, आप गहरे पानी से सुरक्षित रहें, सर्दी से बचाव करें एवं कोविड के नियमों का पालन करें। शिवपुरी क्षेत्र के एक सिरफिरे ने युवती की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली है। वो युवती का गंदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दे रहा है। युवती उससे प्रेम नहीं करती, लेकिन जहां उसकी शादी की बात चल रही है वहां उसके फोटो और वीडियो भेजकर शादी भी नहीं होने दे रहा। शुक्रवार को सिरफिरे की धमकियों से डरी सहमी युवती अपने पिता के साथ अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह के ऑफिस पहुंची। धमकियों से सहमी युवती पुलिस ऑफिसर के सामने सिरफिरे की हरकतों को बताते हुए कांप रही थी। अपर पुलिस आयुक्त ने उसकी दशा देखी तो उन्हें उसकी मनोदशा समझते देर नहीं लगी। संतोष सिंह ने तत्काल शिवपुर थाना प्रभारी को फोन किया, आदेश दिया कि जल्द से जल्द युवक की गिरफ्तारी करे और उसे जेल भेजा जाए। यात्रियों को गुणवत्ता युक्त व पौष्टिक खान पान उपलब्ध कराने पर कैंट रेलवे स्टेशन को 5 सितारा प्रमाण पत्र दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की टीम ने दिसंबर में स्टेशन का निरीक्षण किया था। नए साल में ये उपलब्धि हासिल होने से स्टेशन प्रशासन गदगद है। देश के बड़े व जाने माने रेलवे स्टेशन भी स्टार प्रमाणीकरण में शामिल है। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव काफी बढ़ गया है। वहां से रोजाना लगभग 1 लाख लोग विभिन्न ट्रेनों से आते जाते हैं। यात्रियों के लिए बेहतर खान पान उपलब्ध कराना स्टेशन प्रशासन की जिम्मेदारी थी, इसे स्टेशन प्रशासन ने बखूबी निभाने का काम किया है। परिणाम स्वरूप कैंट रेलवे स्टेशन को खान पान में 5 सितारा प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। गोबर से अब पेंट बनेगा, इसके लिए सेवापुरी ब्लॉक के भिटकुरी गांव में प्लांट स्थापित होगा। इसमें गोवंश आश्रय स्थलों से निकलने वाले गोबर का सही इस्तेमाल होगा। वहीं आश्रय स्थलों की आमदनी बढ़ाने से बेजवानों का सही ढंग से रखरखाव भी होगा। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने बीडीओ और स्वयं सहायता समूह के डीएमएम को इसके बाबत निर्देशित किया है। गोबर से दिया, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा समेत अनेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अब गोबर से पेंट भी बनेगा, इसके लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। सीडीओ भिटकुरी अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बीडीओ व समूह के डीएमएम को गोबर से पेंट बनाने वाले प्लांट लगाने के प्लान बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुकम्मल प्लान बनाकर प्रस्तुत करें। कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने शुक्रवार को धान क्रय की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि किसानों का भुगतान प्रत्येक दशा में 48 घंटे में कराया जाए। धान खरीद में किसानों को कोई समस्या न होने पाए, इसके साथ ही धान खरीद के निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करें। मंडलीय सभा कक्ष के समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कहा कि मंडल में अभी तक कुल खरीद 3,47,875 मीट्रिक टन हुई है, जो लक्ष्य का 51.3% है। कमिश्नर ने खरीद की रफ्तार और बढ़ाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने मंडल प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम व क्षेत्रीय प्रबंधक
SWC को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय बनाकर धान खरीद के निर्धारित लक्ष्य को पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने विभागीय अधिकारियों के साथ शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में बैठक की। उन्होंने घाटों पर साफ सफाई, चेंजिंग रूम, संकेतक और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का उचित प्रबंधन करने का निर्देश दिया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की सफाई के लिए नगर निगम को और मरम्मत कार्य पर्यटन विभाग को देने का निर्देश दिया। मणिकर्णिका घाट पर आने वाले लोगों द्वारा फैलाई गई गंदगी और वहां फैले कचरे की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने रामनगर के कच्चा घाट की सफाई के साथ ही रविदास घाट पर गंगा में मिलने वाले नाला पर भी कार्रवाई के लिए कहा। शहर में प्रमुख जगहों जैसे लंका, अर्दली बाजार, कचहरी, नक्की घाट आदि जगहों पर लगने वाले जाम के संबंध में उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी विवेक मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में शिवपुर क्षेत्र में शुक्रवार को बिजली चोरों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 15 लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस दौरान क्षेत्र में चोरी से बिजली जलाने वालों में हड़कंप मच गया। कई लोग तो अपनी दुकान और मकान बंद कर फरार हो गए। उपखंड अधिकारी विवेक मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि भवानीपुर, छतरीपुर, भेलखा और कांशीराम आवास में चेकिंग के दौरान बिना कनेक्शन लिए ही डायरेक्ट बिजली जलाने वाले 5 लोगों को पकड़ा गया। बकाया बिजली बिल वाले 10 उपभोक्ताओं की लाइट काट दी गई, जो बिल का भुगतान किए बिना ही चोरी से बिजली जला रहे थे। गंगापार वाराणसी विकास प्राधिकरण की परियोजना के तहत बनवाए जा रहे टेंट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास कार्य लगभग पूरा हो चुका है। क्लस्टर बनाने का कार्य तेज गति से हो रहा है। इसके अलावा टेंट सिटी के सीवेज निस्तारण के लिए जलकल विभाग की ओर से आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग कर सम्प का निर्माण किया गया है। बताया गया है कि सम्प में सेंसर आधारित स्वचालित पंप लगा है, जो निश्चित सीमा तक भरने के बाद स्वतः क्रियाशील होकर संपूर्ण एकत्र सीवेज को ट्रीटमेंट के लिए SPTG में भेज देगा। बताया गया कि नगर में विदेशी व स्थानीय पर्यटकों के ठहरने की कमी को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरण की ओर से गंगा नदी के किनारे टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए बनाया गया रैन बसेरा किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। बसेरे में गीजर, ब्लोअर और टीवी की व्यवस्था भी की गई है। कुछ रैन बसेरा को महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बनाया गया है। वहीं कई रैन बसेरों में फैमिली के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने वाराणसी में 23 रैन बसेरा को संचालित किया है। अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार ने बताया कि शहर में संचालित 23 रैन बसेरे में 889 बिस्तर लगे हैं। उनमें 12 स्थायी और 11 अस्थायी रैन बसेरे बने हैं, जिनमें 2 पुरुष और 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 आश्रय स्थल में परिवार के रुकने के लिए अलग से केबिन बना है। इसके साथ ही शौचालय, गर्म पानी का मशीन व ठंड से बचाव के लिए ब्लोअर भी लगाया गया है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।